Hello children, today we will start a new chapter, Weather, Climate and Adaptation of Animals to the Climates. In the introduction itself, the name of the chapter itself indicates that in this chapter you will learn about the weather, climate and how the animals adapt or how the animal adjust themselves according to the climatic condition. Now see here, first of all we will see about the weather. Weather means what? इट इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर, जो रोज़ के रोज जो एटमोसफियर में कंडीशन होता है, मतलब किस तरह का एटमोसफियर, गर्म है, ठंडा है, रेनफॉल है, विंडी है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल, हम रोज़ रोज़ कहते हैं ना कि आज कैसा एटमोसफियर, दैट इज़ व्हाट कॉल द वेदर. और हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर With respect to temperature and humidity of that place is play humidity, rainfall and wind speed is called the weather at that place. मतलब उस particular जगह पे temperature क्या है, humidity कितनी, rainfall कैसा है, wind speed कैसी है, so this is what called the weather of that place. Now the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. are called the elements of weather. ये जो है, ये सारे जो है, इन सबसे ही वेदर बनता है, इसीलिए इनको कहा गया है वेदर, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. कौन किन किन को? टेम्परेचर, सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी, देन रेनफॉल, विंड स्पीड, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. नाउ सी, जो वेदर जो है इट कैन चेंज एवरी डे, रोज अलग अलग वेदर होता है. समटाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी बहुत गर्मी होती है तो कभी बहुत ठंडे होती है, कभी कभी बहुत बारिश होती है तो कभी कभी बहुत हवा चलती है. तो जो वेदर जो है रोज़ रोज़ चेंज होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हर रोज़ अलग अलग वेदर होता है. कभी कभी ज़्यादा गर्म होता है, कभी कभी लेस गर्म, मतलब ज़्यादा गर्म होता है, कभी कभी लेस गर्म वार्म होता है, कभी क्लाउडी होता है. नाउ सी द सम ऑफ द वेदर इज़ सनी, जब बहुत ज़्यादा सन होता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, देन वी कैन से इट इज़ अ सनी वेदर. और जब हवा चलती है बहुत ज़्यादा, देन वी विल से द वेदर इज़ विंडी. एंड देन जब बहुत क्लाउडी होते हैं, बारिश होने वाली होती है, देन वी विल से द वेदर इज़ अ क्लाउडी. और जब बहुत बारिश होती है तो वी विल से दैट द वेदर इज रेनी. सो वेदर जो है हमेशा चेंज होता रहता है एंड हर एक जगह का अलग अलग वेदर होता है. नाउ सी द चेंजेस इन वेदर. अब अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी, मतलब अपने आप न्यूज़पेपर आता है आपके यहाँ पे, तो आप न्यूज़पेपर में आप लिखा रहता है टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये सारी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर में लिखी रहती है. अगर आपने न्यूज़पेपर में अगर 7 days, मतलब एक वीक का आपने ऑब्जर्व किया, इस तरह से आपने जो यहाँ सामने दिख रहा है, इस तरह से अगर टेबल बनाया, तो आप देखेंगे कि लगभग जो है रोज़ जो है वेदर जो है रोज़ चेंज होता रहता है. देखो, द वेदर इज़ जनरली नॉट सेम ऑन एनी 2 days एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन द वेदर ओवर द वीक एंड द मंथ्स. और कोई भी 2 दिन ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही जैसा वेदर होगा. कभी वेदर ज़्यादा गर्म होगा तो ठंडा होगा. तो हम देखेंगे कि हर वीक में, हर महीने में वेदर जो है ऑलवेज गेट चेंजेस. ऑल चेंजेस इज़ कॉज बाय द सन. अब ये जितनी भी चेंज होते हैं वेदर में, जो भी चेंजेस होते हैं, इसका मेन कारण है सन. सन के कारण जो है वेदर चेंज होता है. अगर सन ज़्यादा तेज़ है, सन की रोशनी ज़्यादा तेज़ है, सन इज़ वेरी हॉट, तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है. अगर सन जो है क्लाउड्स के अंदर चला गया है, तो आपको ह्यूमिडिटी रहेगी क्योंकि सन तो तेज़ है. और अगर, मतलब एवरीथिंग, अब जैसे नाइट में आप देखेंगे जब सन नहीं रहता है तो थोड़ा वेदर कंडीशन आपको ठंडा लगता है, और वही अगर आप धूप में निकलते हैं तो आपको बहुत गर्मी लगती है. तो मतलब दीज वेदर कंडीशन आर चेंजेस ओनली बिकॉज ऑफ द सन. फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ द न्यूज़पेपर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिलो एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर द वीक. जस्ट नाउ मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो रोज आपको मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी. और आप इसका एक इस तरह का टेबल बना लीजिए पूरे वीक का, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो वेदर कंडीशन ऑलवेज चेंजेस. नाउ सी द क्लाइमेट. द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अब क्लाइमेट मतलब क्या है?
अगर हमने किसी जगह का वेदर का जो पैटर्न है उसे ऑब्जर्व किया, करीब करीब 25 ईयर्स तक हमने ऑब्जर्व किया, तो लगभग जो एक जैसा रहता है तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब जैसे हम हिली स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, तो हिली स्टेशन का कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड होता है, क्योंकि हमने उसको ऑब्जर्व किया, रेगुलर वेदर कंडीशन को वहाँ के ऑब्ज़र्व की, तो वहाँ के वेदर कंडीशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद ये पता लगा कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कोल्ड है। अब जैसे हम राजस्थान में जाते हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो मतलब हमने बता दिया कि हाँ यस इट इज़ अ हॉट प्लेस, ओके, इट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है। तो अब जैसे इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड इफ़ देर इज़ मोर रेनफॉल देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। अब जैसे आपको एक अगर हमने कहा कि टेम्परेचर जो है बहुत गर्म है वहाँ का, ठीक है, दिन में बहुत गर्म है और बारिश भी होती रहती है, गर्म भी, गर्मी भी और बारिश भी होती है, तो ऐसे हम टेम्परेचर को, ऐसे हम क्लाइमेटिक कंडीशन को हम क्या कहेंगे? वेदर इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ हॉट एंड वेट। और जनरली इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे इंडिया में केरला में होता है। कैसा होता है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन? हॉट होता है एंड वेट होता है। अब देखो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे गर्मी तो बहुत होती है मगर बारिश भी बहुत कम होती है, बहुत गर्मी होती है मगर बारिश भी कम होती है, तो ऐसी जगह के हम क्लाइमेटिक कंडीशन को हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई। इसका एग्जांपल हम देखेंगे राजस्थान, जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वेदर जो है बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ऐसे समय में हम राजस्थान के क्लाइमेटिक कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ हॉट एंड ड्राई। और वैसे केरला के हम क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कहेंगे? हॉट एंड वेट। अब हम देखेंगे क्लाइमेट एंड द अडैप्शन ऑफ एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अपने को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते, अडेप्टेशन मतलब अपने आप को एडजस्ट करना, और वो अपने आप में इस तरह से बना लेते अपने आप को कि अगर ज़्यादा बहुत ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत गर्म है तो उनके पास कोई एडजस्टमेंट होगा, स्पेशल फ्यूचर होगा। तो हम इसी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज के साथ साथ एनिमल्स जो है किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे पोलार रीजन। पोलार रीजन मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर सपोज़ आपने ये अर्थ है अपना, ठीक है, दिस इज़ अवर अर्थ, तो इसे हम कहेंगे इक्वेटर। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा इक्वेटर मतलब यहाँ इक्वेटर है और यहाँ पे सन की जो रोशनी होती है डायरेक्ट होती है, ओके, एंड यहाँ पे जो पोजीशन है अर्थ के, यहाँ पोल होते हैं, इस नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड साउथ पोल, और यहाँ पे जो है सन की रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं आती, स्लैंटिंग रेज आर कमिंग, ठीक है। तो इस रीजन को, ये जो रीज़न है अर्थ में, दिस रीज़न इज़ कॉल्ड द पोलार रीज़न। अब पोलार रीज़न में वहाँ पे सन की रोशनी डायरेक्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है? द पोलार रीज़न इज़ वेरी कोल्ड, वो वहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठीक है। द पोलार रीज़न आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड द टेम्परेचर आर एज लो एज 37 डिग्री, -37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंडी होती है, साल भर का मैक्सिमम पार्ट जो है वहाँ पे इतनी ठंड होती है और टेम्परेचर कितना चला जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस। -37 मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे क्या होता है, 6 मंथ तक सन नहीं राइज होता है, सूरज नहीं निकलता है, और 6 मंथ तक सन सेट नहीं होता है, मतलब 6 महीने यहाँ पे सन निकलता ही नहीं है, सूरज सनराइज ही नहीं होता है, और 6 महीना ऐसे जाता है वहाँ पे सूरज डूबता ही नहीं है। तो ऐसी जगह होती है पोलार रीजन। अब जनरली जो पोलार रीजन में जो एनिमल्स होते हैं वो भी मतलब अपने आप को फिर अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं हमें वो है पोलार बेयर, ठीक है, पोलार बेयर आप पिक्चर में भी देख पाएंगे, देन पेंगुइन, देन मस्क, मस्क ऑक्सन, देन रेंडियर, देन फॉक्सेस, वेल्स, साइबेरियन क्रेन एक्सेट्रा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, दिस इज़ व्हाट पोलार बेयर, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड पेंगुइन, देन दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मस्क ऑक्सन, ठीक है, एंड दिस इज रेनडियर, एंड दिस आर फॉक्स, और उसके अलावा वेल्स आर ऑल्सो देयर एंड साइबेरियन क्रेन्स आर देयर। दीज आर द स्पेशल एनिमल, दीज आर द टाइप ऑफ एनिमल्स वी फाइंड इन द पोलार रीजन। इन्होंने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि वहाँ पे जो इतनी ठंड होती है उस ठंड में भी वो जीवित रह सकते हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव इन दैट कोल्ड पार्ट ऑफ द
cold part of the earth. Okay, now see. अब एडेप्शन ऑफ पोलार बेयर. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पोलार बेयर ने अपने आप को उस ठंडी जगह पे, उस पोलार रीजन में कैसे अडेप्ट किया. फर्स्ट, दे हैव फर वाइट फर, सो दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो एंड हेल्प इन कैचिंग देयर प्रे. अब क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया कि जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ स्नो होता है. स्नो मतलब बर्फ़ होता है, पूरी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है. और इसीलिए सबसे पहले तो पोलार बेयर ने अपने इसमें ऐसा एडेप्शन किया है कि उसके बॉडी में जो फर है वो वाइट कलर का होता है. तो वाइट कलर का फर होने के कारण क्या है, वो बर्फ़ में दिखाई नहीं देता है. तो इसीलिए वो आसानी से अपना शिकार कर लेता है और अपना पेट भर पाता है, क्योंकि कोई उसे पहचान नहीं पाता है. लोग मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बर्फ है या पोलार बेयर है. सो इसीलिए अपने आप को इसने फर्स्ट एडेप्टेशन इज वाइट फर. ठीक है, देन वी विल सी दे हैव टू लेयर ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. अब उसकी बॉडी में जो फर की जो लेयर होती है वो टू लेयर्स में होती है, डबल लेयर होती है, ताकि इतनी ठंड में वो अपने आप को बचा सके. फिर दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच हैव प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. अब दो लेयर फर की तो होती है, उसके साथ साथ उस फर के नीचे स्किन जो होती है वो बहुत मोटी होती है. इसलिए मोटी होती है, उसमें फैट जो होता है जमा होता है. फैट जमा होने के कारण क्या है, वो काफ़ी मोटा मोटा सा भी दिखता है. आपने देखा है कभी पोलार बेयर, वो बहुत बड़ा बड़ा सा एंड मोटा मोटा फैट फैट सा दिखता है बिकॉज ऑफ द फैट लेयर ऑफ द स्किन. फिर देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प देम टू वॉक ऑन स्नो एंड स्विम इन द वॉटर. अब देखिए इनके पाव जो है, ये देखो पाव जो है आप देख पा रहे, फीट ये होते हैं वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, ताकि वो स्विम भी कर सके. और स्नो में अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारे पैर कैसे धंसते हैं, स्नो में दब जाते हैं, मगर उसके पैर इतने फ्लैट और फ्लैट होते हैं और चौड़े होते हैं, ताकि वो आसानी से स्नो पे वॉक कर सके. ठीक है, और वो अपने आप को ठंड से भी बचा सकता है. देन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प देम टू कैच द प्रे. और जिस पोलार बेयर की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप को मतलब प्रे से भी, अगर उसके आसपास कोई शिकारी हो या कोई शिकार करना चाह रहा उसका, तो वो उसको समझ में आ जाता है कि उसके आसपास कोई है, और इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है. देखिए, सी द पिक्चर ऑफ द पोलार बेयर, दिस इज़ व्हाट पोलार बेयर, दिस ऑल आर द पिक्चर ऑफ द पोलार बेयर. सी कितने इन लोग फैट है, इनकी स्किन कितनी डबल लेयर्ड है, और इनका वाइट कलर होने के कारण इतना आसानी से इस स्नो में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. देन सी द नेक्स्ट एडेप्शन ऑफ पेंगुइन. पेंगुइन इज ऑल्सो द एनिमल विच इज़ फाउंड इन द पोलार रीजन. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड पेंगुइन. ये आपको दिख रहा है जहाँ बर्फीली जगह होती है, देयर वी गेट द पेंगुइन. है ना, ये देखिए पेंगुइन जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब एक तरह का बर्ड है. ये उड़ता जो ज़रूर है पर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, धीर हल्का सा ही ये उड़ पाता है. ठीक है, अब इसके एडेप्शन क्या है, इसने अपने आप को किस तरह से पोलारिज्म में अपने आप को एडजस्ट किया है, किस तरह से वो वहाँ सर्वाइव हो पा रहा है. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, दे हैव अ वाइट कलर्ड बॉडी सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो. अब देखिए आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देखेंगे कि इसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर की है, और वाइट कलर के होने के कारण क्या है, वो स्नो के कलर में मिक्सअप हो जा रही और वो आसानी से मतलब विजिबल नहीं होती है. ठीक है, दे हैव थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. अब उसकी स्किन जो होती है काफ़ी मोटी होती है और उसमें बहुत सारा फैट जमा होता है. फैट जमा होने से क्या है, उसको ठंड भी नहीं लगती है और ठंड से उसको वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है. देन दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म. हडल टुगेदर मतलब वो अपने आप को एक साथ ये ग्रुप में रहते हैं. जितने पेंगुइन्स जो होते हैं ये एक साथ अकेले कभी नहीं मिलेंगे, ग्रुप में रहेंगे. तो ग्रुप में रहेंगे तो इनको मतलब ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी. जैसे अपन हम देखते हैं कि अगर हम बहुत क्राउडेड प्लेस में जाते हैं तो क्राउडेड प्लेस में क्या होता है, हमें ठंड लगना थोड़ी कम हो जाती है. और वही अगर हम खाली जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ठंड लगेगी. तो इसी तरह से ये क्या है, ये सब ग्रुप में होते हैं पेंगुइन, ताकि इनको ठंड ना लगे. देन दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब फिट
which help them to swim in water. अब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है. स्ट्रीमलाइन मतलब ये फिश शेप की बॉडी होती है. दिस टाइप ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी. दिस टाइप ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी. जैसे फिश की होती है ना, आपने देखा था फिश ऑल्सो है द स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो इस स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण क्या है, दिस ये फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण क्या है, ये क्या है, आसानी से वाटर में स्विम भी कर पाता है. और इसकी फिट जो होती है वेब होते हैं, वेब फिट विच हेल्प देम टू स्विमिंग वाटर. वेब फिट मतलब जैसे आपने फ्रॉग में देखा, फ्रॉग के जो वेब होते हैं उसके पंजों में, जैसे सपोज दिस इज अ, ये जो है सपोज ये उनके पाव है, ओके दिस इज अ पाव ऑफ द पेंगुइन. अब इसके यहाँ पे ऐसे स्किन की कवरिंग होती है, दिस इज व्हाट कॉल्ड वेब फिट. तो वेब फिट होने के कारण क्या है, दिस पेंगुइन कैन इजीली स्विम इन द वाटर. सो दिस इज अडैप्शन ऑफ द पेंगुइन. ये देखिए, सी हाउ दिस पेंगुइन्स आर लिव इन द ग्रुप. ये देखिए कैसे ग्रुप में ये सब मिलते हैं अपने को. दिस इज अ सिंगल पेंगुइन हियर, यू आर आइडेंटिफाई इजीली इसके. ये थोड़ा बहुत उड़ भी सकता है ना, इट्स हैव अ. देन द नेक्स्ट इज रेनडियर. रेनडियर इज ऑल्सो देयर. रेनडियर भी हमें पोलार रीजन में मिलता है. पोलार रीजन के जो लोग होते हैं रेनडियर्स के मिल्क पीते हैं, ओके. फिर रेनडियर्स को एज ए स्लेज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. आप देख पा रहे हैं सेकेंड पिक्चर में, रेनडियर्स आर यूज एज ए स्लेज, ठीक है. रेनडियर्स इज ऑल्सो देयर. देन फॉक्स, दीज आर द फॉक्स विच वी कैन गेट फ्रॉम द पोलार रीजन. अब देखिए फॉक्स भी बहुत फर से कवर है ताकि ठंड में अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सके. नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड सील. सील, अब सील देखेंगे आप. सील भी देखिए बहुत इसके बॉडी में स्किन में फैट्स भरा हुआ है. फैट होने के कारण क्या है, ये जो है अपने आप को ठंड में ये प्रोटेक्ट कर सकती है. बहुत ठंड होता है पोलार रीजन में, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. एंड द स्विम सील जो है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे, ये कुछ स्ट्रीमलाइन तरह की बॉडी होती है ताकि दिस सील्स कैन स्विम इन द वाटर. नाउ द नेक्स्ट एनिमल विच इज़ फाउंड इन द पोलार रीजन इज वेल्स. वेल्स फिश को आप अच्छे से जानते हैं, ये भी काफ़ी इसकी स्ट्रीमलाइन तो बॉडी होती है और जिसकी स्किन होती है वो काफ़ी फैट्स होते हैं ताकि वो अपने आप को इस ठंडी जगह में अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके. देन वी विल सी द नेक्स्ट वन, मस ऑक्सन. मस ऑक्सन इज ऑल्सो देयर. दिस एनिमल इज ऑल्सो, देखिए आप इस एनिमल्स में आप देखेंगे ये, दिस ऑल्सो इज फाउंड इन पोलार रीजन. यहाँ पे भी देखिए इसकी पूरी बॉडी में कवर है, पूरा फर है, पूरे हेयर से कवर है ताकि अपने आप को वो ठंड से बचा सके. देन सी द नेक्स्ट, अडैप्शन इन साइबेरियन क्रेन. अडैप्शन इन साइबेरियन क्रेन इज वॉट, ये एक तरह का बर्ड होता है, ठीक है, साइबेरिया में जनरली मिलता है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए बर्ड. देखिए आप इसका एक सिंगल पिक्चर देखेंगे. दिस बर्ड इज़ ऑल्सो फाउंड इन पोलार रीजन. नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर, द साइबेरियन क्रेन मस्ट कीप इट्स बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन विंटर. वो अपने आपके अपनी बॉडी को वो वार्म रखता है, गर्म रखता है ताकि वो विंटर में सर्वाइव कर सके. सो ड्यूरिंग विंटर इट माइग्रेट टू फार अवे वार्मर प्लेस. अब क्या होता है, जब बहुत ठंड होती है पोलार रीजन में तो वो अपने आप को वहाँ से निकल जाता है और बहुत दूर तक जहाँ पे गर्म है वो माइग्रेट करता है, वहाँ पे वो फ्लाई करके वो उड़ के वो जाता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है. जैसे साइबेरियन क्रेन कम टू द प्लेस इन इंडिया, इंडिया में भी साइबेरिया के जो क्रेन्स है वो इतना दूर उड़ के आते हैं. कौन सी जगह पर, भरतपुर में आते हैं जो राजस्थान में, फिर सुल्तानपुर जो हरियाणा में. यहाँ पे जनरली ये क्या है, साइबेरिया से के जो साइबेरियन क्रेन्स हैं ये उड़ के आते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए अडैप्शन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए फॉरेस्ट. यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ये भी अपने आप को उस रेन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर, द ट्रॉपिकल रीजन हैव अ हॉट क्लाइमेट. अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको पोलार रीजन के बारे में बताया, पोलार रीजन का जो क्लाइमेट होता है बहुत गर्म होता है, ठंडा होता है सॉरी. तो वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ का क्लाइमेट जो होता है काफ़ी गर्म होता है. द मिनिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर हमने देखा
15 डिग्री सेल्सियस होता है, और पोलर रीजन में क्या होता है, -37 डिग्री होता है, मगर यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा वो जाता है। द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, और जितनी बड़ी नाइट होती है उतना ही बड़ा डे होता है, मतलब लगभग सेम होता है, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। द रीजन हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत बारिश होती है, एंड इन इंडिया दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में है हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहाँ पे है ये, इट इज़ इन वेस्टर्न घाट, ओके, इट इज़ इन वेस्टर्न घाट एंड देन इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन आसाम, आसाम में भी है, दिस इज़ इन इंडिया दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड इन आसाम। इन द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रीजन आर साउथ, और दुनिया भर में कहाँ कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया देन सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये जो जगह है पूरी दुनिया में यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं जो अपने आप को इस क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट कर लिया है, मंकी इज़ देयर, एप्स इज़ देयर, ठीक है, एप्स भी, गोरिल्ला, ओके गोरिल्ला आप जानते ही हैं, लॉयन को भी आप जानते हैं, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, चीता, स्नेक्स, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, मैक्सिमम काइंड ऑफ एनिमल्स वी कैन सीन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे चीता इज़ देयर, स्नेक, देन कैमेलियन इज़ देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड इज वी कैन फाइंड इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखिए बर्ड्स आर स्टारलिंग, जे, कार्डिनल, स्विफ्ट, नॉट सो विथ आउल, आउल इज ऑल्सो देयर, एंड हियर वी कैन फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ सी द अडेप्शन ऑफ रेड आई फ्रॉग, दिस रेड आई फ्रॉग लीव ऑन द ट्री, अब ये जो रेड आई फ्रॉग है ये ट्रीज में रहता है, ठीक है, और इसके जो पैड होते हैं, पैर जो होते हैं ये स्टिकी होते हैं, ताकि वो इसलिए स्टिकी होते हैं क्योंकि वो ट्रीज में क्लाइंब कर सकें, चढ़ सकें, है ना, तो इसने अडेप्शन क्या किया है कि इसके पाउज जो है उसको स्टिकी बना लिया ताकि इट कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। नाउ सी द अडेप्शन ऑफ मंकी, अब मंकीज, यू ऑल नो द मंकी, मंकी कहाँ रहते हैं, दे लीव ऑन द ट्रीज, अब इनके जो होते हैं टेल्स जो होते हैं, पूंछ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है ताकि वो ब्रांचेस जो ट्रीज के ब्रांचेस को ग्रास्प कर सके या पकड़ सके, ठीक है, एंड देयर हैंड्स एंड फीट्स ऑल्सो हेल्प देम टू होल्ड ऑन द टू द ब्रांच, और उसी तरह से उसके हाथ और पैर इस तरह से बने हैं ताकि वो ट्रीज के ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर सके, तो इस तरह से मंकी ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है टू लीव ऑन द ट्री। अब उसी तरह से टॉयकन, टॉयकन इज़ अ काइंड ऑफ ए बर्ड, ठीक है, और ये टॉयकन जो होता है, टॉयकन्स जो होते हैं ये ट्रीज में रहते हैं, इनके जो बीक्स होते हैं, देखिए आप बीक देखेंगे, बहुत लॉन्ग और लार्ज बीक होते हैं, ठीक है, ताकि वो विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांच, इसलिए लार्ज होते हैं ताकि जो ट्रीज के ब्रांचेस हैं वो वहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं उनको वो आसानी से वो खा सके। दिस आर द अडेप्शन फॉर द टॉयकन। नाउ सी द अडेप्शन ऑफ लॉयन एंड अ टाइगर, लॉयन एंड टाइगर हैव थिक ब्राउन स्किन, अब देखिए इनकी स्किन जो होती है थिक ब्राउन होती है ताकि वो फॉरेस्ट में आसानी से छुप सके, देयर सो दैट इट कैन ईजिली हाइड इन द फॉरेस्ट, एंड दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स एंड कैच देयर प्रे, अब ये जो होते हैं इनकी जो कान जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और आई साइट जो होता है वो बहुत शार्प होता है, इतना शार्प होता है कि अगर कोई शिकार उसके आसपास हो तो उसको दिखाई भी दे देता है, और अगर कोई उसकी सुनने की क्षमता भी इतनी तेज़ होती है कि वो अपने आप को आसानी से उसके आसपास कोई अगर कोई शिकारी भी हो तो वो अपने आप को वो सुन लेता है, सूंघ लेता है और सुन भी लेता है कि कोई शिकारी है कि नहीं, तो दिस इज़ अ अडेप्शन फॉर द लॉयन एंड द टाइगर्स। नाउ अडेप्शन ऑफ लॉयन टेल मैक्यू बियर्ड ऐप, दिस इज़ अ बियर्ड ऐप इज़ देयर, ओके, इसका अडेप्शन क्या है, द लॉयन टेल मैक्यू, ये देखिए ये एनिमल जो है इसको हम कहेंगे लॉयन टेल, जिसकी टेल जो है लॉयन जैसी होती है इसको लॉयन टेल मैक्यू कहते हैं, मैक्यू मोस्टली लीव ऑन द ट्री, ये जनरली ट्रीज में होते हैं, इट फिट ऑन द फ्रूट्स
लीव्स स्टेम फ्लावर्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विच गेट फ्रॉम द ट्रीज. अभी जनरली क्या खाते हैं, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये जनरली ये सारी चीज़ें खाते हैं जो ट्रीज से मिलती हैं. देन द नेक्स्ट इज द एडैप्शन ऑफ एलिफेंट. तो एलिफेंट तो आप सभी लोग जानते हैं. द एलिफेंट हैज लॉन्ग ट्रंक विच इज़ यूज एज ए नोज. अब देखिए जो एलिफेंट जो होता है उसकी ट्रंक इतनी लंबी होती है वो नोज की तरह काम करती हैं, है ना. और खाना जो है, जैसे उसे कुछ खाना है, आप इस पिक्चर में देख पेंगे कि जब उसे खाना है तो उसने अपने ट्रंक का भी इस्तेमाल किया. लीव जब खा रहा था तब उसने, इट कैन यूज इट्स ट्रंक ऑल्सो. इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. अब देखिए जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनके सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. अब ये जो टस्क दिख रहा है आप इसके, जो एलिफेंट के जो ये बड़े वाले दांत दिख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली, इसके मॉडिफाइड टीथ है. ये जो ये दिख रहा है टस्क, दिस इज अ मॉडिफाइड टीथ, ताकि वो ट्रीज के बार्क को टियर कर सके, कट काट सके एंड उसे ईट कर सके. इसलिए दिस आर द मॉडिफाइड टीथ. इट्स लार्ज ईयर हेल्प टू ईट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड. और उसके कान इतने बड़े हैं, इस तरह से अडेप्ट किया है उसने कानों को कि अगर हल्की आवाज़ भी कहीं हो तो वो सुन पाता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प टू कूल इटसेल्फ इन हॉट क्लाइमेट. और जैसे उसके जो कान है पंखे की तरह है, कुछ फैन की तरह है, अगर बहुत गर्म जगह है तो वो अपने आप को, उस कान को हिला के अपने आप को वो ठंडा भी कर लेता है. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.